Hello student, today we will learn chapter number 10, the cherry tree, and this is part 2. And in this chapter we read the story about the joy of growing a tree. So let's start. Read the second part of the story by Ruskin Bond to find out what happened to the cherry tree. ये second part है और अभी हमने देखना है कि cherry tree को क्या क्या होता है अभी. Towards the end of the rainy season जब ख़त्म हो रहा था, new leaves appeared on the tree. Last part में हमने देखा था कि cherry plant grow हुआ था, उसको leaves आए थे और वो leaves goat ने खा लिए थे. एक दिन एक बकरी आई और उसने वो खा लिए थे. तो फिर कौन सा सीज़न आया? रेनी सीज़न. और जब रेनी सीज़न ख़त्म हो रहा था तब क्या हुआ? नए leaves आए plant पर. Then a woman cutting grass cut the cherry tree into two. एक दिन वहाँ पर एक लेडी आई जो ग्रास कट कर रही थी गार्डन का, तो उसने क्या किया? ग्रास कटिंग करते करते चेरी प्लांट को भी कट कर दिया, दो टुकड़े कर दिए उसके. When grandfather saw what had happened, he went after the woman and scolded her. Scolded मतलब डांटना. जब दादाजी को ध्यान में आया कि क्या हुआ है, तो वो वहाँ आए और वो लेडी को उसने बहुत डांटा. But the damage could not be repaired. लेकिन damage तो repair हो नहीं सकता. आप figure में देखिए, figure में आपको दिख रहा है cherry plant और उसकी एक branch नीचे गिरी है. अभी वो फिर से तो जुड़ नहीं सकती. Maybe it will die now, said Rakesh. Rakesh ने कहा कि अभी ये शायद ये plant मर जाएगा, ये अभी grow नहीं हो, इसकी growth नहीं होगी अभी. Maybe, said grandfather. दादाजी को भी लगा कि हाँ अब ये नहीं बढ़ेगा. But the cherry tree had no intention of dying. लेकिन चेरी ट्री का तो कोई मरने का इरादा नहीं था. इंटेंशन मतलब क्या होता है? उसका इरादा एंड प्लान और एन एम. बाय द टाइम समर केम अराउंड, फिर कौन सा सीजन आया? समर सीजन. इट हैड ग्रोन सेवरल न्यू शूट्स विद टेंडर ग्रीन लीव्स. वो जो ट्री था उसको ढेर सारी ब्रांचेस आई और ब्रांचेस पर ढेर सारे ग्रीन छोटे छोटे लीव्स आए. राकेश हैड ग्रोन टॉलर टू. अभी राकेश की भी हाइट बढ़ गई थी. He was 8 now. अभी वो भी बड़ा हो रहा था. पहले वो कितना ईयर का था? 6 ईयर का, जब उसने चेरी सीड सो किया था, चेरी प्लांट जब लगाया था तब वो सिर्फ 6 साल का था. अभी वो कितने साल का हो गया था? 8 साल का. A sturdy boy, मतलब एक रफ एंड टफ बॉय, विथ करली ब्लैक हेयर एंड डीप ब्लैक आईज. उसके हेयर्स कैसे थे? करली एंड ब्लैक, और आईज डीप ब्लैक आईज. और उसके दादाजी उसे क्या बोलते थे? उसकी आँखों को blackberries. grandfather called them. That monsoon Rakesh went home to his village. समर के बाद जो मानसून आया उसमें राकेश कहाँ गया था? अपने विलेज में. किसके पास? मम्मी पापा के पास. To help his father and mother with the planting, plowing and sowing. उसके मम्मी पापा को help करने के लिए. कौन सी चीज़ों में help करने के लिए? Planting, plowing and sowing of seeds. He was thinner but stronger when he came back to his grandfather's house at the end of the rain. जब रेनी सीजन ख़त्म होने को आया तब वो अपने grandfather के घर वापस आया. तो वो कैसे हो गया था? Thinner मतलब थोड़ा सा दुबला पतला, but stronger लेकिन वो कैसे था? Strong था. To find that the cherry tree had grown another foot. It was now up to the chest. उसने आने के बाद चेरी ट्री को देखा तो उसने देखा कि वो एक फुट बढ़ गया है. और वो अब कहाँ तक आता है? उसके चेस्ट तक. Even when there was rain, Rakesh would sometimes water the tree. He wanted it to know that he was there. अभी देखो बारिश तो चालू ही थी लेकिन फिर भी राकेश क्या करता था? कभी कभी बीच बीच में उस प्लांट को पानी देता था. क्यों करता था वो ऐसे? ही वॉन्टेड इट टू नो दैट ही वॉज देयर, मतलब उसे वो ट्री को बताया था कि मैं अभी विलेज से वापस आ गया हूँ और मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा. वन डे ही फाउंड अ ब्राइट ग्रीन प्रेइंग मैंटिस पर्च ऑन अ ब्रांच. एक दिन राकेश को क्या दिखा कि वो जो ब्रांचेस है ग्रीन ब्रांचेस, उसके ऊपर कौन बैठा था? अ प्रेइंग मैंटिस. मैंटिस मतलब क्या होता है? अ स्लेंडर प्रेडेटर इंसेक्ट. ये है इंसेक्ट जो प्लांट्स पर दिखते हैं हम लोगों को.
पियरिंग एट हिम विथ इट्स बल्जिंग आईज. और उस जो मैंटिस था वो इंसेक्ट, उसकी आंखें कैसी थी? बल्जिंग मतलब स्वेलिंग. और वो अपने आंखों से क्या कर रहा था? इधर उधर झांक रहा था. पियरिंग मतलब झांकना. राकेश लेट इट रिमेन देयर, उसने उसको वहीं रहने दिया. इट वॉज द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर, देखो चेरी ट्री पर पहली बार कोई आया था, इसलिए उसको कहा है कि प्रेइंग मैंटिस वॉज द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर. द नेक्स्ट विजिटर वॉज हेरी कैटरपिलर. कैटरपिलर मतलब क्या होता है? इल्ली. आप लोगों ने बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल पढ़ी है, उसमें आपने देखा है अंडे से क्या बाहर निकलती है? कैटरपिलर बाहर निकलती है. हु स्टार्टेड मेकिंग अ मील ऑफ लीव्स, और उसने क्या किया प्लांट पर? नेक्स्ट विजिटर कौन सा था? हेरी कैटरपिलर. तो वो कैटरपिलर ने क्या कहा, क्या किया उसने? उसने लीव्स खाना चालू कर दिया. राकेश रिमूव्ड इट क्विकली, उसने उसको जल्दी से निकाल लिया. राकेश ने कैटरपिलर को जल्दी से वहाँ से निकाला. क्यों निकाल लिया? क्योंकि वो अगर वहाँ पर रहती ना तो वो सारे लीव्स खा लेती. एंड ड्रॉफ्ट इट ऑन द हीप ऑफ ड्राई लीव्स, और उसने कहा क्या किया, जहाँ पर ड्राई लीव्स का ग्रुप था वहाँ पर उसको रख दिया. कम बैक व्हेन यू आर अ बटरफ्लाई ही सेड, और राकेश ने उसको क्या कहा कि जब तुम बटरफ्लाई बन जाओगे ना तब फिर से आना. विंटर केम अर्ली, जल्दी ही विंटर सीजन आया. द चेरी ट्री बेंट लो विद द वेट ऑफ स्नो, वहाँ पर क्या होती थी हमेशा? स्नोफॉल. स्नोफॉल की वजह से क्या हुआ था? स्नो जो है वो सारी जगह पे डिपॉजिट हुआ था, तो वो वैसे ही चेरी ट्री पर भी हुआ, तो चेरी ट्री पूरी तरह से नीचे झुक गया था. फील्ड माइस सॉट शेल्टर इन द रूफ ऑफ द कॉटेज. फील्ड माइस मतलब जो खेत में या फार्म में जो माइस रहते हैं ना वो वाले, वो भी कहाँ पर छुप जाते थे अभी? इन द रूफ ऑफ द कॉटेज. द रोड फ्रॉम द वैली वॉज ब्लॉक, देखो जब स्नोफॉल होती है ना तब रोड भी ब्लॉक हो जाते थे, तो यहाँ पर रोड भी ब्लॉक हो गए. एंड फॉर सेवरल डेज देर वॉज नो न्यूज़पेपर, और रोड ब्लॉक होने के कारण कोई न्यूज़पेपर नहीं आया था. एंड दिस मेड ग्रैंडफादर क्वाइट ग्रम्पी. व्हाट इज ग्रम्पी? ग्रम्पिंग मीन्स बैड टेम्पर्ड एंड इरिटेबल, मतलब अभी वो दादाजी को बोर होने लगा था तो वो उन्हें वो सारी चीज़ें इरिटेट होती थी. हिज स्टोरीज बिगन टू हैव अनहैप्पी एंडिंग, वो जो भी स्टोरी राकेश को सुनाते थे वो सारी कैसी रहती थी? अनहैप्पी एंडिंग वाली. इन फेब्रुवरी इट वॉज राकेश बर्थडे, कब था उसका बर्थडे? फेब्रुवरी में. ही वॉज 9, कितने साल का हो चुका था अभी वो? 9 साल का. द ट्री वॉज 4, और ट्री कितने साल का हुआ था? 4 साल का. बट ऑलमोस्ट एज टॉल एज राकेश, लेकिन दोनों की हाइट कैसे थी? सेम टू सेम. वन मॉर्निंग वेन द सन केम आउट ग्रैंड फादर केम इन टू द गार्डन, एक दिन सुबह सुबह ना जब सूरज बाहर निकला तब उसके दादाजी भी बाहर निकले, गार्डन में आए. लेट सम वार्म गेट इन टू माई बोन्स ही सेड. वार्म मतलब क्या होता है? द क्वालिटी स्टेट और सेंसेशन ऑफ बींग वार्म. हम लोग ठंड में बाहर जाकर बैठते हैं धूप में, तो जब धूप लगती है तो गर्मी लगती है ना, दैट इज़ वार्म. तो उसके दादाजी ने भी सोचा कि चलो मैं थोड़ी देर बाहर धूप में बैठ कर आता हूँ. ही स्टॉन्ग अप इन फ्रंट ऑफ चेरी ट्री, तो बाहर निकले और चेरी ट्री के सामने जाकर वो एकदम रुक गए. स्टेयर एट इट फॉर अ फ्यू मोमेंट, स्टेयर मतलब लुक फिक्सली, मतलब एकदम वो घूर के उसकी तरफ देखने लगे. एंड देन कॉल आउट राकेश कम एंड लुक, कम क्विकली बिफोर इट फॉल्स, और उन्होंने आवाज़ दी राकेश को कि राकेश जल्दी से आओ, और जल्दी से आओ ये गिरने के पहले आओ, ऐसा उन्होंने कहा. करेक्ट, कम क्विकली बिफोर इट फॉल्स. राकेश एंड ग्रैंडफादर गेज एट द ट्रीज एज दो इट हैड परफॉर्म अ मिरेकल. मिरेकल मतलब क्या होता है? जादू. करेक्ट, तो राकेश भी बाहर निकला और राकेश और उसके दादाजी दोनों भी वो ट्री की तरफ ऐसे देखने लगे कि जैसे वो ट्री क्या कर रहा है, कोई जादू के खेल दिखा रहा है, कोई जादू के प्रयोग कर रहा है. देयर वॉज अ पेल पिंक ब्लॉसम एट द एंड ऑफ द ब्रांच. क्या हुआ था? वो जो चेरी थी ना उसमें फ्लावर्स आए थे पेल पिंक कलर के. द फॉलोइंग ईयर देयर वेयर मोर ब्लॉसम, और फिर क्या हुआ, जैसे जैसे वो प्लांट बढ़ता गया वैसे वैसे ढेर सारे फ्लावर्स को आते गए. एंड सडनली द ट्री वॉज टॉलर देन द राकेश, अब उसकी हाइट कैसे हो गई ट्री की? राकेश से भी ज़्यादा.
इवन दो इट वॉज लेस दैन हाफ हिज एज, एज से तो वो छोटा था प्लांट, लेकिन उसकी हाइट ट्रैकर से भी बड़ी थी. एंड देन इट वॉज टॉलर दैन ग्रैंड फादर, और फिर वो ग्रैंड फादर से भी ऊँचा हो गया, हु वॉज ओल्डर दैन सम ऑफ द ओक ट्रीज. बट राकेश हैड ग्रोन टू, लेकिन राकेश की भी ग्रोथ हो गई थी, वो भी बहुत बड़ा हो गया था. ही कुड रन एंड जम्प एंड क्लाइम ट्री एज वेल एज मोस्ट बॉयज, वो भी बाकी बच्चों के जैसे दौड़ता था, जम्प करता था और झाड़ों पे चढ़ता था. एंड ही रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, ढेर सारी बुक्स पढ़ता था. ऑल दो ही स्टिल लाइक लिसनिंग टू ग्रैंड फादर्स टेल्स, वो भले ही वो बड़ा हो गया था लेकिन अभी भी उसे अपने दादाजी से कहानियाँ सुनना अच्छा लगता था. इन द चेरी ट्री बीज केम टू फीड ऑन द नेक्टर इन द ब्लॉसम. अभी चेरी ट्री पर तो फ्लावर्स आए थे, तो वहाँ पर कौन आते थे विजिट करने के लिए? बीज. बीज क्या करती है? फ्लावर पर आकर उनका नेक्टर कलेक्ट करती है. अ टाइनी बर्ड्स पेक एट द ब्लॉसम एंड ब्रोक देम ऑफ, और छोटे छोटे बर्ड जो रहते थे वो आते थे, वो अपने बीक से क्या करते थे, बीक मतलब चोच, अपने बीक से वो फ्लावर्स को तोड़ फोड़ देते थे. बट द ट्री के ब्लो बट द ट्री के ब्लॉसमिंग राइट थ्रू द स्प्रिंग, लेकिन स्प्रिंग तक उसे फ्लावर्स आते ही थे. देर वेर ऑलवेज मोर ब्लॉसम्स दैन बर्ड्स, मतलब जितने बर्ड्स आते ना आते थे उससे ज़्यादा वहाँ पे फ्लावर्स आते थे. दैट समर देर वेर स्मॉल चेरीज ऑन द ट्री, और उसके बाद जो समर सीजन आया उस ईयर का, तब क्या दिखा, ट्री पर छोटे छोटे चेरीज आए थे. राकेश टेस्टेड वन एंड स्पैट इट आउट, उसने एक चेरी टेस्ट किया और थूक दिया. इट्स टू सोर ही सेड, उसने कहा कि ये तो बहुत खट्टा है. They will be better next year, said grandfather. दादाजी ने कहा कि अगले साल ये अच्छी हो जाएंगी, इनकी स्टेट टेस्ट अच्छी हो जाएगी. But the birds like them, लेकिन birds को तो वो बहुत पसंद थे, सोर थे फिर भी. Especially the bigger birds such as bulbuls and scarlet minivet, and they flitted in and out of the foliage, feasting on the cherries. ये जो बड़े बर्ड थे जैसे बुलबुल और कौन सा है मिनीवेट बर्ड्स, इन लोगों को तो ये सारी चीज़ें पसंद थी, और ये लोग क्या करते थे, दे फ्लिटेड. फ्लिटेड मतलब क्या होता है, वो इधर से उधर घूमते थे ट्री पर, इन एंड आउट ऑफ द फॉरेज, ट्री के बीच में से इधर जाएंगे उधर जाएंगे, लीफ के बीच में से. एंड फिस्टिंग, फिस्टिंग मतलब दावत उठाते थे, उनको खाते थे. ऑन द चेरीज ऑन अ वार्म सनी आफ्टरनून, एक दिन दोपहर को, कैसा था वो दोपहर, कैसी थी वो, सनी एंड वार्म, मतलब अंदर घर में गर्मी हो रही थी, ठीक है, बाहर भी थोड़ा सा हल्का सा गर्म था. वेन इवन द बीज लुक स्लीपी, मतलब वो इतना वार्म था कि बीज जो थे ट्रीज के ऊपर वो भी बेचारी, उनको भी नींद आ गई थी. राकेश वॉज लुकिंग फॉर ग्रैंड फादर विदाउट फाइंडिंग हिम इन एनी ऑफ हिज फेवरेट प्लेसेस अराउंड द हाउस. राकेश किसको ढूंढ रहा था, अपने दादाजी को. उसने अपने दादाजी को सारी जगह पे ढूंढ लिया, घर के आसपास उनके जो फेवरेट प्लेस है वहाँ पर भी ढूंढ लिया. देन ही लुक्ड आउट ऑफ द बेडरूम विंडो, फिर उसने बेडरूम के विंडो से बाहर देखा. एंड सॉ ग्रैंडफादर रिक्लाइनिंग ऑन अ केन चेयर अंडर द चेरी ट्री, और उसने क्या देखा कि चेरी ट्री के नीचे उसके दादाजी केन चेयर पर बैठकर आराम फरमा रहे हैं. रिक्लाइनिंग मतलब क्या होता है, लेनिंग और लाइंग बैक इन अ रिलैक्स पोजिशन, जैसे हम लोग आराम कुर्सी पर कैसे बैठते हैं ना, उस टाइप. देयर इज जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ शेड हियर, सेड ग्रैंडफादर. दादाजी ने कहा कि यहाँ पर एकदम परफेक्ट शेड है, कि जैसे मुझे चाहिए उतनी ही छाव यहाँ पर है. एंड आई लाइक लुकिंग एट द लीव्स, और मुझे यहाँ पर बैठ कर लीव्स देखना, पत्ते देखना प्लांट के बहुत अच्छा लगता है. They are pretty leaves, said Rakesh. Rakesh ने कहा कि ये leaves भी कैसे हैं, beautiful है, pretty है. And they are always ready to dance if there is breeze. Breeze मतलब क्या होता है, जो हल्की हवा आती है उसे हम लोग ब्रीज कहते हैं. और आपको पता है जब हवा चलती है तो पत्ते भी हिलते हैं, इसलिए उसने उनको क्या कहा है कि वो डांस करते हैं. After grandfather had come indoor, उसके बाद उसके जो दादाजी वो घर में चले गए अंदर,
उसके बाद राकेश वेंट इनटू द गार्डन, राकेश गार्डन में गया एंड ले डाउन ऑन द ग्रास बीनीथ द ट्री, चेरी ट्री के नीचे जो ग्रास थी उसके ऊपर वो लेट गया। ही गेज अप थ्रू द लीव्स एट द ग्रेट ब्लू स्काई, वो लेटे लेटे क्या कर रहा था कि लीव्स के बीच बीच में जो जगह थी वहाँ से स्काई को देख रहा था। एंड टर्निंग ऑन हिज साइड, फिर वो अपने एक साइड पर टर्न हुआ, ही कुड सी द माउंटेन्स स्ट्राइडिंग अवे इनटू द क्लाउड, और उसे क्या दिख रहा था, बड़े बड़े माउंटेन हैं जो सारे छुप गए थे क्लाउड के बीच में। ही वॉज स्टिल लाइंग बीनीथ द ट्री व्हेन द इवनिंग शैडो क्रेप्ट अक्रॉस द गार्डन, शाम भी हो गई थी फिर भी वो वहीं पर लेटा हुआ था। ग्रैंडफादर केम बैक, उसके दादाजी वापस आए एंड सैट डाउन बिसाइड द राकेश, और राकेश के पास में बैठ गए। एंड दे वेटेड इन साइलेंस अनटिल इट वॉज डार्क, देखो दोनों भी बिल्कुल शांत बैठे थे, जब तक शाम मतलब जब तक पूरा अंधेरा नहीं हुआ तब तक वो दोनों भी वैसे ही शांत वहाँ पर बैठे थे। देर आर सो मेनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट, सेड राकेश, वॉट सो स्पेशल अबाउट दिस ट्री, वाई डू वी लाइक इट सो मच, उसने दादाजी को कहा पूछा कि फॉरेस्ट में तो इतने सारे प्लांट रहते हैं, इतने सारे ट्रीज रहते हैं, लेकिन ये जो ट्री है इसमें क्या स्पेशल है, वाई डू वी लाइक इट सो मच, हम इसे इतना क्यों पसंद करते हैं। तो देखो दादाजी ने क्या रिप्लाई दिया, वी प्लांटेड इट आवर सेल्स, सेड ग्रैंडफादर, दैट्स वाई इट्स स्पेशल, उन्होंने कहा कि इसे हमने खुद प्लांट किया है इसीलिए वो स्पेशल है। जस्ट वन स्मॉल सीड, सेड द राकेश, और उस वो सब याद करने लगा कि हाँ मैंने एक छोटा सा सीड लगाया था और उसमें से इतना बड़ा प्लांट निकल गया। एंड ही टच द स्मूथ बार ऑफ द ट्री दैट हैड ग्रोन, और वो ना प्लांट की वो जो चेरी ट्री था, चेरी ट्री के स्टेम को और उसके जो कवर रहता है आउटर लेयर, उसकी बार्क मतलब द टफ प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ द ट्रंक, उसे वो सहलाने लगा। ही रैन हिज हैंड अलोंग द ट्रंक ऑफ द ट्री, वो ट्री ट्रंक के ऊपर से अपना हाथ ऐसा हाथों से उसको सहलाने लगा। एंड पुट हिज फिंगर टू द टिप ऑफ द लीव, और जो एक लीफ उसने पकड़ा वो लीफ को वो सहलाने लगा। आई वंडर, ही विस्पर, विस्पर मतलब उसने एकदम धीरे से कहा, स्पोक वेरी क्वाइटली, ठीक है, तो वो उसने कहा कि मैं सरप्राइज हूँ, इज दिस वॉट इट फील्स टू बी अ गॉड, वो बोलता है कि जब मैं प्लांट को छूता हूँ तो जो सुकून मुझे अंदर से मिलता है, क्या ऐसा ही सुकून मिलता है जब हमें गॉड मिल जाता है, ये वही फीलिंग है क्या कि जब हमें गॉड मिलने पर जो सुकून मिलता है वो मुझे अभी मिल रहा है। सो हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर।